हे गाइस, माय नेम इज अमृता। इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ ब्लैक हेड और वाइट हेड्स आप घर पे ही कैसे रिमूव कर सकते हैं। ये बहुत इजी टेक्निक है और आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने एक साइड में स्क्रब रखा हुआ है और एक साइड में जो है फेस पैक रखा हुआ है। आप कोई सा भी स्क्रब ले सकते हैं, इसमें कोई स्किन के अकॉर्डिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके नोज के ऊपर पिंपल्स हैं और या दाने हैं तो आप जेल बेस्ड स्क्रब ले सकते हो, अदरवाइज आप कोई सा भी स्क्रब यूज़ कर सकते हो। ये जो ब्लैक हेड स्टिक है ईजिली आपको मार्केट में अवेलेबल होगा। और एक मैंने ये कॉटन पैड रखा हुआ है ये वेट करके, ताकि स्क्रब रिमूव कर सके। और दूसरा आपको रोज वाटर चाहिए होगा। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अप्लाई करूँगी अपने नोज पे स्क्रब। को सर्कल मोशन पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फिंगर को घुमाना है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। और बहुत ही लाइट हैंड से आपको ये करना होगा। साइड कॉर्नर पे सबसे ज्यादा जो ब्लैक हेड होते हैं वो साइड कॉर्नर पे होते हैं। ये मैं अब एंटी क्लॉकवाइज कर रही हूँ, उसके बाद क्लॉकवाइज जेंटली करना है आपको ये। साइड पे हाफ सर्कल बनाना है आपको। इसे आपको 3 से 4 मिनट के लिए, ये इतना इजी टेक्निक है कि आप घर पे ही कर सकते हैं, आपको किसी सलोन जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके लोअर चिन पे भी है या लोअर लिप पे भी है तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। मैं तो हर वीक करती हूँ, इसलिए मैं मुझे मेरे जो है लोअर लिप्स के नहीं, लोअर लिप्स पे नहीं होते हैं ब्लैक हेड। अगर आपको लगे कि आपके लोअर लिप के नीचे भी, लोअर लिप पे भी है तो आप वहाँ पे भी स्क्रबिंग करें। अब मैं इसको रिमूव करूंगी। अच्छे से क्लीन करना है आपको। अच्छे से क्लीन करने के बाद ये स्टिक का यूज करना है। इसको सबसे पहले आप डिटॉल से क्लीन कर ले, नहीं तो एस्ट्रिंजेंट से क्लीन कर ले। मैं ऑलरेडी क्लीन कर चुकी हूँ। फिर एक छोटा सा कॉटन लेना है आपको, ताकि आप ब्लैक हेड जब रिमूव करें तो आपको उसमें क्लीन करने के लिए इजी रहे। हल्का हल्का प्रेस करना है। साइड्स में भी थोड़ा सा स्किन को स्ट्रेच करके साइड से रिमूव करें। और ये आप मिरर के आगे खड़े होकर स्क्रबिंग करें और ब्लैक हेड रिमूव करें, जिससे आपको इजी रहेगा, ये पता चलेगा कि कहाँ से कैसे आपको निकालना है और कहाँ पे ब्लैक हेड है। के बाद आप एक बार और क्लीन कर ले नोज को। एक बार कॉटन ले, उसमें रोज वाटर स्प्रे करें, फिर इसको डैपिंग मोशन में डैप करें नोज के ऊपर, ताकि जो हमारे पोर्स है वो मिनिमाइज हो जाए।
रोज वाटर, अगर आपके पास रोज वाटर नहीं है तो आप आइस क्यूब भी यूज कर सकती हैं, उसे नोज के ऊपर रब करें। आइस क्यूब से भी जो पोर्स हैं वो मिनिमाइज हो जाता है। रोज वाटर जो है टोनिंग का भी काम करता है, प्लस हमारे जो पोर्स उसको मिनिमाइज करने का काम करता है। इसके बाद आपको फेस पैक यूज़ करना है नोज़ के ऊपर। उसके बाद आप फिंगर से ही फेस पैक को अप्लाई करें। इस तरह से 5 मिनट फेस पैक लगा के रखें नोज़ पे। अभी 5 मिनट पूरे हो गए हैं, मैं अब इसको रिमूव कर रही हूँ। अब देखिए मेरा नोज़ जो है छूने में भी बहुत सॉफ्ट हो गया है, ब्रैकेट रिमूव हो गए हैं और बहुत क्लीन लग रहा है। मैं सिर्फ छू रही हूँ तो बहुत स्मूथ सा सॉफ्ट से स्किन लग रही है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।